नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की सुबह में यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे व्हाट्सअप से आप यहाँ पे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है और रिजल्ट वगैरह, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हर जगह वॉलेट रहेगा, आप यहाँ पे कहीं भी ट्रेन में, एयरपोर्ट, कहीं भी आप यहाँ पे इसको दिखाएंगे तो वॉलेट रहेगा, डिजी लॉकर की तरफ से ही रहेगा। इसे डाउनलोड करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर शुरू करना। देखिए इसका नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पे माय गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। आपको इस नंबर को सेव करने कर लेना है या फिर आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। इस नंबर पे यहाँ पे आपको मैसेज वगैरह करना है, मैसेज करके आप अपने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे रिजल्ट आपका हो गया 10वीं 12वीं का, CBSE का, प्लस पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC बुक, यहाँ पे इंश्योरेंस, ये सब आप यहाँ पे सारे कुछ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप से यहाँ पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप सर्विस से लॉन्च किया गया है, जिससे आप यहाँ पे कहीं भी रहे आप अपना यहाँ पे दिखा सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे देखिए आपका जो आधार कार्ड से नंबर है वो लिंक रहना चाहिए। ये किसी से भी लिंक रहे उससे दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर वही रहना चाहिए, नंबर किसी से भी लिंक रहेगा चलेगा, लेकिन आप जिस नंबर यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे लिंक रहेगा तो आपके उस नंबर पे एक OTP जाएगा, उसको एंटर करना रहेगा, बस हो गया। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे यहाँ पे करना है सारा कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए हम आ गए यहाँ पे व्हाट्सअप पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लैपटॉप में ओपन किया हूँ, आप यहाँ पे मोबाइल में भी ये काम यहाँ पे कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ, ठीक है। आप यहाँ पे मोबाइल में भी ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल यहाँ पे जो नंबर है, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा, इसका नंबर दे दूँगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, या लिंक दे दूँगा, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके ही यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क, यहाँ पे ऑफिशियल ये है, यहाँ पे देखिए ग्रीन यहाँ पे जो है यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, व्हाट्सअप वेरीफाई ग्रीन टिक यहाँ पे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे हाय लिख दीजिए, नमस्ते लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हैं, नंबर से करिए या डायरेक्टली लिंक दिया जाएगा उससे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए हाय जैसे ही आप यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, यहाँ पे माय गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे मैसेज आएगा, जिसमें यहाँ पे दिया गया नमस्ते, दिस इज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माय गवर्नमेंट हेल्प डेस्क से है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे वेबसाइट समझ लीजिए है, वहाँ पे आप यहाँ पे वर्क करेंगे तो जिसमें आप यहाँ पे कोविन सर्विस यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे डिजी लॉकर यहाँ पे दोनों सर्विस आपको यहाँ पे मिलेगा। एक तो आपका यहाँ पे कोविन सर्विस है जिससे यहाँ पे कोविन से रिलेटेड आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी, दूसरा आप यहाँ पे डिजी लॉकर जो यहाँ पे है डिजी लॉकर सर्विस, इसमें आपको यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डिजी लॉकर सर्विस यहाँ पे चाहिए, तो पहला यहाँ पे देखिए कोविन आप यहाँ पे चाहिए तो कोविन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे डिजी लॉकर, यहाँ पे देखिए दिया गया पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दैट अदर यहाँ पे जो भी सर्विस है आप यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिजी लॉकर सर्विस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। डिजी लॉकर सर्विस पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा वहाँ पे जाएगा, यहाँ पे सेंड होगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए आएगा यहाँ पे, आप यहाँ पे पहले से आपका अकाउंट है डिजी लॉकर का तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, और यहाँ पे देखिए अगर आप मेन मेनू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिर से यहाँ पे सर्विस पे जाएगा कोविन और यहाँ पे डिजी लॉकर वाला सर्विस फिर से आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए मेन अकाउंट पे आएंगे जो यहाँ पे देखिए, तो आप अगर अकाउंट है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर नो करते हैं तो आपका यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह और आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी यहाँ पे लेगा, और उसके बाद एक OTP जाएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पहले से ही अकाउंट है तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। नो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम लगेगा, आधार कार्ड डिटेल लगेगा, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका यहाँ पे 12 डिजिट का जो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आता है वो एंटर करना है बिना किसी स्पेस के, ठीक है। यहाँ पे बिना किसी स्पेस के हमें यहाँ पे आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर करना है, तो हम यहाँ पे फटाफट एंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे का प्रोसेस करके देखते हैं क्या यहाँ पे होता है। आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्पेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे पूरा एंटर करिए एक साथ, ठीक है। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। सेंड बटन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ से दोबारा से यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, जैसे ही आप यहाँ पे
भेजते हैं, वहाँ से रिप्लाई आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान रखना, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक रहना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपके मोबाइल नंबर पे जो आधार कार्ड से लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP गया है, आपको वहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे लास्ट का 4 डिजिट मोबाइल का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर OTP नहीं जाता तो रिसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा से OTP मंगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे OTP मिल गया है तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे सेंड कर देते हैं, सेंड कर देना है। OTP नहीं आ रहा तो दोबारा से आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। सेंड करते ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे वेरीफाई करेगा, आपका डिटेल जो है आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा कि आपका अकाउंट है कि नहीं है। उसके लिए यहाँ पे 30 सेकंड का यहाँ पे टाइम मांगा जा रहा है। तो देखिए हमारा वेरीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे पहले से यूज कर रहे हैं तो जिसमें यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स हमारा यहाँ पे पहले से यहाँ पे इशू करके रखा गया है। पहला तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे मार्कशीट है वो यहाँ पे है, पैन कार्ड यहाँ पे है, और यहाँ पे जो हमारा व्हीकल है उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो DL वगैरह RC बुक वगैरह रहता है सब इसमें है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ है। तो आपको अगर आधार कार्ड जैसे डाउनलोड करना है तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर बस आधार कार्ड ही डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक रिस्पांस आएगा आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सेंड करते हैं तो देखिए हमारा आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ये यहाँ पे देखिए ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, आपका फ़ोटो वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे नाम, एज यहाँ पे ये सब दे दिया जाएगा, और यहाँ पे आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर दे दिया जाएगा, और आपका एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा। ये आपका यहाँ पे एक PDF के जरिए आप फोटो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अदर डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए तो आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही रहेगा, आपका नाम यहाँ पे रहेगा, जेंडर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे शो होगा, बाकी आपका यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस पूरा शो होगा। यहाँ पे वेरीफाई का यहाँ पे वेरीफाई बाय DigiLocker यहाँ पे रहेगा। ये आप यहाँ पे कहीं भी दिखा सकते हैं, ट्रेन, एयरपोर्ट, कहीं भी आप यहाँ पे इसको दिखा के यूज कर सकते हैं। ये वॉलेट रहेगा, ठीक है। व्हाट्सअप से दिखाए, चाहे यहाँ DigiLocker एप्लीकेशन से दिखाए, कहीं से भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर अदर कोई और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे गए आपको डाउनलोड करना है तो अदर डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर देना। अदर डॉक्यूमेंट्स पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको इशू करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इशू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इशू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अभी लिस्टेड है व्हाट्सएप पे, यहाँ पे अभी जितने भी लिस्टेड है उस हो जाएगा। देखिए व्हाट्सएप पे क्या क्या अभी लिस्टेड है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे CBSE यहाँ पे 10वीं का यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, 10वीं का मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे 12वीं का मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो RC बुक होता है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी 2 व्हीलर का, इंश्योरेंस पॉलिसी आपका यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ है, सब आप यहाँ पे सारे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी बस इतना ही लिस्टेड है, बाकी आप अगर DigiLocker पे जाएंगे तो बहुत सारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट यहाँ पे से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे रहते हैं डॉक्यूमेंट सब आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशन, इनके वेबसाइट पे। अभी तो इतने ही लिस्टेड यहाँ पे है। तो जैसे हम यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड करते हैं तो एक नंबर यहाँ पे सेंड करते हैं, जो भी नंबर पे आप यहाँ पे है जो भी डाउनलोड करना है उतना यहाँ पे सेंड करना है। जैसे 2 नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो 2 नंबर आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। तो हमने यहाँ पे पैन कार्ड के लिए 1 नंबर यहाँ पे सेंड किया तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका यहाँ पे पैन कार्ड का जो 10 डिजिट का नंबर रहता है वो बिना स्पेस दिए आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्पेस वगैरह नहीं देना है। तो हम यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सेंड कर दीजिए। सेंड करते ही यहाँ पे देखिए हमारा पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई करेगा। पहले तो आपका यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका यहाँ पे प्लीज़ कन्फर्म योर फुल नेम, जो आपका यहाँ पे पैन कार्ड पे फुल नेम है जैसा आपका नाम है पैन कार्ड पे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे सेंड रखना है, स्पेस है वो सब आपको देना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे पैन कार्ड नाम है, फुल नेम आपका जो भी है वो यहाँ पे एंटर करना है, स्पेस है तो स्पेस दे के रखना है, जैसे भी यहाँ पे पैन कार्ड पे है वैसे ही यहाँ पे देना है। तो एंटर करके यहाँ पे सेंड कर देना है। सेंड करते ही यहाँ पे देखिए वेरीफाई करेगा। अगर आपको यहाँ पे वेरीफाई होता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे PDF के जरिए आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई हुआ और हमें यहाँ पे PDF यहाँ पे आ गया। तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सेम वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे कि आधार कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड जैसे आपको मिला था वैसे ही यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर लिए और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं डाउनलोड हो गया तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पैन कार्ड, आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे दिया जाएगा, QR कोड दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, और मेल यहाँ पे जो जेंडर यहाँ पे रहता है वो आ जाएगा, और प्लस डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कब किए थे, वेरीफाई हमने जब किया था यहाँ पे दिया जाएगा। DigiLocker वेरीफाई यहाँ पे दिया गया कि ये
एक्ट जो यहाँ पे है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब जगह ये वॉलेट रहेगा, कहीं भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैग जाके अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स भी अगर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके अदर भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आप, सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिस्टेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता दिए। आप वहाँ पे इसका नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे बता दिया हूँ। अगर कुछ इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका रिप्लाई जरूर दे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। आप इसको यहाँ पे मोबाइल में भी यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप में करें, मोबाइल में करें, कहीं भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पे बता दिया। अगर कुछ यहाँ पे डाउट है, कुछ यहाँ पे इशू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।